हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम जनरल नॉलेज का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिसमें हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो बीच में मत छोड़िएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम में मार्क क्लियर करने के लिए। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, उसे पूछा गया है कि अग्निशमन वस्त्र जो बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, यानी ऐसे वस्त्र जो आग में नहीं जलते हैं, यानी आग से बचाने के लिए जो वस्त्र बनाए जाते हैं अग्निशमन वस्त्र, वो किससे बनाए जाते हैं? अभ्रक से, एस्बेस्टॉस से, टैल्स से, या स्टेरिटाइट से। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो अग्निशमन वस्त्र बनाए जाते हैं वो एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं, तो यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे पूछ रहे हैं कि भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी, यानी सिंपली पूछ रहा है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने, नंदलाल बोस ने, असित कुमार हल्दर ने, या अमृता सोरगिल ने? यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पर्वतीय नगर मसूरी कहाँ स्थित है। मसूरी बहुत ही ज्यादा फेमस है, ये टूरिस्ट के लिए बहुत फेमस है, तो ये वही पूछ रहा है कि मसूरी कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में? जो आपका मसूरी स्थित है वो है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है मसूरी, घूमने लायक जगह, अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, यानी आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन हुआ वो कब हुआ? 1945 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, या 1950 ईस्वी में? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था वो 1949 ईस्वी में हुआ था, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पूछ रहे हैं कि कौन सा ज्वालामुखी के उन तीन वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं, यानी इन चारों में से तीन ऐसे ज्वालामुखी हैं जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं, लेकिन एक डिफरेंट है, तो उसी को आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन आपके पास जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, या यौगिक ज्वालामुखी। यहाँ आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ जो आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जागृत ज्वालामुखी क्या है, उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। प्रसुप्त ज्वालामुखी का भी वही है, मृत ज्वालामुखी का भी वही है, लेकिन यौगिक ज्वालामुखी क्या है, इन सबसे डिफरेंट है, तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे पूछ रहा है कि आरबीआई की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है, यानी चार में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है आरबीआई की मुद्रा नीति का? ऑप्शन आपके पास आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट, मुद्रा स्फीति के दबाव में को नियंत्रित करना, या सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। ये आरबीआई का काम नहीं है, आरबीआई का उद्देश्य नहीं है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट वगैरह सब बनाए गए हैं, तो यहाँ जो डी ऑप्शन है इस क्वेश्चन के बिहार पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहे हैं कि अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाज गढ़ी अभिलेख जो है वो किस लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में, अरमाइक लिपि में, या देवनागरी लिपि में? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? खरोष्ठी लिपि की जो मानसेहरा अभिलेख है और शाहबाज गढ़ी अभिलेख है अशोक का, जो अशोक ने बनवाया था, वो खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे पूछ रहा है कि भारत के कुछ उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है, यानी भारत का ऐसा कौन सा उद्योग है जिसमें बहुत सारे लोग, सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं? जूट उद्योग में, लौह इस्पात उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, या चीनी उद्योग में? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कपड़ा उद्योग में। भारत का जो कपड़ा उद्योग है उसमें सबसे ज्यादा लोग कार्यरत हैं, तो यहाँ सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे पूछ रहा है कि बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, चावंड शैली, या जयपुर शैली? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो बनी ठनी चित्र शैली है वो किशनगढ़ शैली पर आधारित है, यानी रिलेटेड है, संबंधित है। यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है, यानी भारत का जो सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है वो कौन सा है? कावेरी बेसिन, कच्छ बेसिन, असम क्षेत्र, या मुंबई आपतट क्षेत्र? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है वो है मुंबई आपतट क्षेत्र, तो यहाँ आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड कैनिंग? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ भारत का नहीं पूछ रहा, स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालचारी। यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? लद्दाख और पीर पंजाल के बीच, रंजोती और नागटिम्बा के बीच, लेसेर हिमालय और शिवालिक के बीच, या धौलाधार और पीर पंजाल के बीच? तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो ए ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो कुल्लू घाटी स्थित है वो लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। से पूछ रहा है कि सोपान कृषि कहाँ की जाती है, यानी सोपान कृषि जो की जाती है वो कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों में, छतों पर या पहाड़ों की चोटी पर? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि सोपान कृषि जो की जाती है वो पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। अगर आप कभी उत्तराखंड गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ क्या ढलानदार खेती होती है, वहाँ ढाल बहुत ज्यादा है, पहाड़ बहुत ज्यादा है, तो पहाड़ों के ढलान पर जो खेती की जाती है वो क्या होती है? सोपान कृषि की जाती है। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पूछ रहा है कि कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल, यानी रीजन पूछ रहा है कि कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति जो होता है वो भारहीन महसूस करता है क्यों, क्या रीजन है? ऑप्शन आपके पास, पृथ्वी के आकर्षण का बल उस स्थान पर शून्य होता है, चंद्रमा के आकर्षण बल द्वारा संतुलित होता है, अभिकेंद्र बल के समान होता है, ये सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो पृथ्वी का आकर्षण का बल होता है वो अभिकेंद्र बल के समान होता है, इसलिए जो कृत्रिम सैटेलाइट होती हैं उनके अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछ रहा है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव जो होता है, सरफेस टेंशन, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या अपरिमित हो जाता है? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है, जो सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठ तनाव होता है जल का, वो क्या हो जाता है? घट जाता है। यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब पूछ रहे हैं कि सुपरनोवा क्या है, यानी सुपरनोवा जो है वो क्या है? उच्छल तारा है, ग्रहिका है, विस्फोटी तारा है या ब्लैक होल है? तो यहाँ जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। जो सुपरनोवा है वो क्या है? विस्फोटी तारा है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। इसमें पूछ रहा है आपसे कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, यानी अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में, पेरिस में, वियना में या वाशिंगटन में? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का जो मुख्यालय है वो वियना में स्थित है। इस क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि रेशा फसलें जो हैं, यानी जो रेशा फसलें होती हैं वो कौन कौन सी हैं? जूट, गन्ना, अलसी, कपास, मक्का, तंबाकू, कपास सन जूट या सन कपास मक्का? तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि कपास, सन और जूट, ये क्या है? रेशा फसलें मानी जाती है। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। से पूछ रहा है कि पवन वेग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? पृथ्वी का चक्रण, पृथ्वी का घूर्णन, ताप प्रवलता या तापमान? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि पवन वेग आपका रिलेटेड है दाब प्रवणता से। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे पूछ रहे हैं कि यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो प्राप्त ना हो तो समुदाय के दो सदस्यों को नामित किया जा सकता है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ये संसद के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा? तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इस समुदाय के दो सदस्यों को कैसे नामित किया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। से पूछ रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक की कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए, यानी किसी भी भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी नागरिक की न्यूनतम यानी मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 18 वर्ष? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। यदि कोई नागरिक 35 वर्ष का है तो वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्या कर सकता है? आवेदन कर सकता है। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है, यानी ये जो स्टेटमेंट है जो इन्वर्टेड कॉमा में आपका क्लोज किया गया है, ये किसने कहा था? प्लूटो ने, रूसो ने, अरस्तु ने या लॉस्की ने?
यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। अरस्तु ने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है, तो ये स्टेटमेंट अरस्तु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछ रहे हैं कि संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वो सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे, यानी अगर कोई संसद सदस्य है वो संसद में अपनी सदस्यता कब गवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे, कितने दिनों तक, 45 दिनों तक, 60 दिनों तक, 90 दिनों तक, या 365 दिनों तक। तो यहाँ बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि यदि कोई संसद सदस्य 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो अपनी सदस्यता गंवा देगा, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। से पूछ रहा है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है केंद्रीय सरकार में, राज्य सरकार में, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों में, या स्थानीय शासन में। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका, इसका जो ए ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्रीय सरकार में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे पूछ रहा है कि बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था, प्रबोध यानी ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, किस जगह पर प्राप्त हुआ था, वो स्थान आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास सारनाथ, बोधगया, कपिलवस्तु या राजप्रा। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, बोधगया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऋषिपत्नम सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था और राजगृह क्या था उनके समय में, मगध की राजधानी था राजगृह। यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो अजात शत्रु था वो बुद्ध का ही समकालीन था, यानी बुद्ध के समकालीन थे अजात शत्रु और अजात शत्रु के पिता बिंबिसार। तो यहाँ डी ऑप्शन का मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और इस क्वेश्चन के यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे पूछ रहे कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, आई के गुजराल या मोरारजी देसाई। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई। इस क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछ रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, संसद के पास, प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास या नौकरशाही के पास। यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली में जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की सेनानिवृत्ति की आयु कितनी होनी चाहिए, 65 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष या 58 वर्ष। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कि उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की सेनानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस कारण से सम्मिलित किया गया है, यानी जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल किए गए हैं उन्हें शामिल करने का कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सरकार की स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए या सरकार के विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है लेकिन मीनिंग कोई भी चेंज नहीं है, मीनिंग सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछ रहा है कि किस सिख गुरु ने हर मंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर, जिसे आजकल हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना किसने की थी, गुरु रामदास ने, गुरु अमरदास ने, गुरु अर्जुन देव ने या गुरु गोविंद सिंह जी ने। हिस्ट्री सीरीज जब मैंने स्टार्ट की तो हिस्ट्री सीरीज में मैंने ये क्वेश्चन कई बार बताया हुआ है, तो हिस्ट्री सीरीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तुरंत प्लेलिस्ट पे जाइए, चेक कीजिए, वहां आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। अगर पूछ लिया जाए कि स्वर्ण मंदिर का प्राचीन नाम क्या था तो उनका प्राचीन नाम था हर मंदिर साहिब, तो यहाँ से ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे पूछ रहा है कि सहारा प्रदेश में धूल दानव है, यानी धूल दानव किसे कहते हैं, प्रातः काल चलने वाली तीव्र आंधी को, धूल से युक्त हवा को, बालू का स्तूपों का खिसकाव हो या धूल भरी वर्षा को। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो सहारा प्रदेश में प्रातः काल चलने वाली तीव्र आंधी होती है वहां के लोग उसे कहते हैं धूल दाना, तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि चूना पत्थर का कायांतरित रूप है, ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुकी हूँ। ऑप्शन आपके पास संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट या क्वार्टाइट। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि चूना पत्थर का जो कायांतरित रूप है वो है संगमरमर, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी मैं आपको पहले करा चुकी हूँ, फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है, चीन में, ब्राजील में, मैक्सिको में या कोलंबिया में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताइए। यहाँ जो आपका बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो ब्राजील है वो
कॉफी का अधिकतम उत्पादन करता है, यानी विश्व में कॉफी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो करता है वो ब्राजील करता है। तो यहाँ बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कि अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है, यानी जो अवमूल्यन का उद्देश्य है उसकी तरफ कौन संकेत करता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्यात प्रोत्साहन, आयात प्रोत्साहन, काले धन पर नियंत्रण या घाटे के बजट पर प्रतिबंध। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि निर्यात प्रोत्साहन क्या करता है, अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या चेन्नई में। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका, इसका सी नंबर सही हो जाएगा कि जो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है वो आपका मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, इसमें पूछ रहा है कि डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है, चितरंजन में, पेरम्बूर में, वाराणसी में, कपूरथला में। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जो डीजल लोकोमोटिव कारखाना है वो आपका वाराणसी में स्थित है, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं पूछ रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, एशिया महाद्वीप, कि जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है वो है एशिया, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कि फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, चेन्नई में, मसूलीपट्टनम में, कोलकाता में या नई दिल्ली में। तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि फोर्ट विलियम जो है वो आपका कोलकाता में स्थित है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कि प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से और सौर ऊर्जा को रूपांतरण करने में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है, यानी प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से हम क्या करते हैं, सौर ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं। तो सौर ऊर्जा का जब रूपांतरण करते हैं प्रकाश वोल्टेज सेल के माध्यम से, तो किसका उत्पादन होता है, प्रकाशीय ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का, उष्मीय ऊर्जा का या यांत्रिक ऊर्जा का। तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सौर ऊर्जा को हम किस में चेंज करते हैं, विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं, किसकी हेल्प से, प्रकाश वोल्टेज सेल के हेल्प से। यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, से पूछ रहा है कि बायो डीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, ट्रांसएमिनेशन, अनुलेखन, ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन या अनुवाद। यहाँ जो आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि बायोडीजल के उत्पादन में हम ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन प्रक्रिया का यूज करते हैं, प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे पूछ रहा है कि अमोनिया का एक गुण कौन सा है, यानी अमोनिया गैस जो पाई जाती है उसका एक प्रॉपर्टी कौन सी है, ये जल में अभिलेय होता है, यह गंध रहित गैस है या पीत गैस होती है, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसके जलीय विलयन में, यानी जो वाटर इसका बनाया जाता है जलीय विलयन, उसमें अगर लाल लिटमस पेपर होता है, अगर लिटमस पेपर डाल दिया जाए लाल लिटमस पेपर, तो वो नीला हो जाएगा। तो ये क्या है, अमोनिया गैस का एक प्रॉपर्टी है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कि उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है, इंटरफेस, इंटरप्रेटर, मॉडेम या आईओ पोर्ट। तो यहाँ कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ जो आपका सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि मॉडेम वो युक्ति है जिसके द्वारा कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है, यहाँ सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे पूछ रहा है कि दिल का दौरा किस कारण से होता है, यानी हार्ट अटैक जो आता है लोगों को, ऑलमोस्ट लोगों को, वो उसका रीजन क्या है, हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय गति का रुक जाना, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी या अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आना। यहाँ राइट ऑप्शन क्या है, यहाँ जो आपका सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जब हार्ट में रक्त की आपूर्ति की कमी आ जाएगी तो हार्ट अटैक पड़ता है, यानी हार्ट अटैक का रीजन ये हो जाएगा, तो यहाँ सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, से पूछ रहे हैं कि इनमें से विषम कौन सा है, संगमरमर, चौक, चूना या बुझा चूना। तो राइट ऑप्शन बताइए, यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी, जो विषम है वो है बुझा हुआ चूना, यानी बुझा चूना क्या है, विषम है इनमें से, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे पूछ रहे हैं कि जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है, जीवाणु, न्यूक्लियोप्रोटीन, रेडियो सक्रिय पदार्थ या विषाणु। तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को न्यूक्लियर प्रोटीन की सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है, तांबा, क्रोमियम, सीसा या कैल्सियम। यानी जो बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का कारण है, वायु पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का, वो क्या है, इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा कि सीसा क्या है, बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है। यानी यहाँ चारों में से ये रीजन होगा, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के बिहाफ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, यानी किसी प्रोग्राम में जो बग होता है वो क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, एरर होता है, सिग्नेचर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ये एक प्रकार का एरर होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन, तो पूछ रहे कास्ट स्पिरिट क्या होती है, मिथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल या प्रोपिल एल्कोहल। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, कास्ट स्पिरिट जो होती है वो होती है मिथिल एल्कोहल। तो इस वीडियो में हमने टोटल 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए जनरल नॉलेज के, सभी क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।